तरफ से हो रहा है, उसके स्टेट के इलेक्टेड और सिलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से हो रहा है, ये बहुत ज्यादा की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक और बहुत कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आज वो वक्त आ गया है कि हम इस पे सही तरह से आगे बढ़ के अमल करें। आपने देखा कि ये किस तरह से इंडिया में एज स्टेट टेररिज्म आदमियों पे, औरतों पे, बच्चों पे अटैक किया जा रहा है। इंसान दंग रह जाता है कि ये किस किस्म की नफरत उनके दिलों में है मुसलमानों के लिए, कि मार मार के लोगों को, दिल्ली में आपने देखा कि मार मार के लोगों को आके सड़क पे डाल रहे हैं, पूरी उनकी सड़क भर गई है और दिखा रहे हैं, प्राउड होके दिखा रहे हैं कि हमने इतने लोग आपके मार दिए हैं। ये स्टेट टेररिज्म है, ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो कि आरएसएस के तहत फॉलो की जा रही है, मोदी गवर्नमेंट कर रहा है। इसको हमने किसी तरह आगे बढ़ने नहीं देना। आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, आप मुसलमान की औरतों की बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा जुल्म उन पे हो रहा है, मगर इसके साथ साथ आज हमने ये भी देखा कि जो कश्मीरी औरत है वो आज किस तरह निकली हुई है अपने घर से, किस तरह वो एम्पावर हो गई है इसी इन्हीं चीजों से कि वो खड़ी हुई है आगे उनके सामने, हिंदुओं के सामने, गैर मुस्लिम्स के सामने, कि आप आए तो सही। अभी जो भी कितनी कहानियां हम सुन रहे हैं वो यही कह रही है, आप आए तो सही, आप करके दिखाएं, हम अपनी हर चीज कुर्बान कर देंगे अपनी आजादी की खातिर। जैसे कि पीएम इमरान खान ने भी कहा है कि ये मूवमेंट जो है इंडिजिनस मूवमेंट है, हम इसका पूरा साथ देते हैं, आखिरी दम तक साथ देंगे इसका, और हम ये फैसला छोड़ेंगे कश्मीरी अवाम पे कि वो इसको इसका क्या फैसला करते हैं। अगर उनको आजादी चाहिए तो हम उनका पूरा साथ देंगे, अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ आना है तो वो हम तो उनको सीने से लगाने के लिए कब से तैयार हैं। ये आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू थे कि जो इसको कॉज को यूनाइटेड नेशंस में लेके गए और वहां जाके उन्होंने ये यूएन जनरल असेंबली में जब लेके गए तो वहां ये फैसला आया कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, यानी कि लोगों को हक के खुद इरादियां देना चाहिए, अपने खुद फैसला करें। मगर आपने देखा कि इतने साल गुजरने के बाद इस पर कुछ फैसला नहीं हुआ, इंडिया वेंट बैक ऑन इट्स वर्ड्स, ये उन्हीं का डिमांड थी, उन्हीं का सब कुछ था, मगर आज आपने देखा है कि हमारे साथ, हमारे पीएम की वजह से हमारे साथ दुनिया काफी सारी खड़ी हुई है, जो पहले कभी निकल के आगे नहीं बोलते थे। ईरान बढ़ के हमारी सपोर्ट कर रहा है, टर्की कर रहा है, मलेशिया कर रहा है और बहुत सारे ममालिक हैं, अमेरिका में ये आवाज उठी है, वहां पे कांग्रेस में जाके लोगों ने डिमांड किया है कश्मीरियों को आजादी दी जाए, और उन्होंने ये डिमांड किया है कि ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे इसको रोका जाए। यहाँ तक कि यूएन में ये डिमांड किया गया है, और आपने देखा होगा यूके असेंबली ने, उन्होंने ये पार्लियामेंट ने ये डिमांड किया है, फिर ईयू में, ईयू की पार्लियामेंट जो है, कभी वहां पे ये किसी को तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह की आवाज वहां से उठेगी। आज वहां से भी ये आवाज उठ रही है, पहली दफा कश्मीर इशू वहां पे डिबेट हुआ है। मैं बहुत सलाम पेश करती हूँ कश्मीरी औरत को जो कि जिसके के बाप चला गया, जिसके का भाई चला गया, बेटे कुर्बान करने को वो तैयार है। आज वो अपने हाथ में तलवार लेके निकली हुई है, आज वो झंडा बुलंद कर रही है इस्लाम का और कश्मीर का, क्योंकि उनकी वजह से ही ये मूवमेंट चल रही है। जिस सोसाइटी में औरत आदमी के साथ ना हो वो सोसाइटी वहां ही रह जाती है, जब औरत साथ आती है तो वो मूवमेंट आपने देखा एकदम आगे चल पड़ी, क्योंकि कुर्बानी देने के लिए औरत तैयार है। वो ये नहीं कह रही अपने बच्चे को कि अपने मियाँ को कि तुम रुक जाओ, तुम ना जाओ, वो कहती जाओ, हम तुम्हारी ढाल बनेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन खवातीन पे कि जो इस तरह से ढाल बनी हुई हैं, जो इस तरह से अपनी शाना बशाना मर्दों के साथ खड़ी हुई हैं।
इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है मेंशन करना कि जैसे कि आसिया इंद्राबी है, जैसे कि मिशाल मलिक है, वो तो हमारे दरमियान ही रहती हैं, हमारे हिस्सा हैं। उनकी शादी हुई, आप सबको पता है उनकी शादी हुई, अब उनकी एक बेटी भी है, मगर उनका मियाँ कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहा खाली, और फिर वो चला गया। उसके बाद उन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी। उन्होंने जितनी कोशिश की कि वो मिल जाए, आके वो चली जाए इंडिया, वहां जाके उसको मिल के आ जाए, उनको नहीं करने दिया। मैं सलाम पेश करती हूँ इन खवातीन पे कि जो कि बेलौस खिदमत कर रही हैं अपनी कॉज का, और आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ जो यहाँ इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हैं। हम जहां तक हो सकेगा आपके साथ हैं, हम पहले भी थे, हम अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक के कश्मीर आजाद नहीं होता, हम आपके साथ हैं। एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सीमी साहिबा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ चिनारों के देश में रहने वालों की तरफ से, वहाँ की जो आज़ादी की जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, इंशाल्लाह वो आज़ाद होंगे, और यकीन रखें कि उनका फैसला पाकिस्तान के हक में होगा। और हम सब वो जब भी बात कश्मीर की होती है, कोई और मसरूफियत हो, कितनी प्रायोरिटीज़ हो, मेरी तरजीह यही होती है कि यहाँ पर ज़रूर आऊँ, आपकी आवाज़ों में आवाज़ मिलाऊँ। और आज मैं देख रही हूँ कि कश्मीर के लिए उठने वाली आवाज़ें इतनी मज़बूत हैं और इतके उनको दुनिया के बड़े बड़े ऐवान हिलाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जब हम ख्वातीन के आलमी दिन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जब हम ख्वातीन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो आज ये सेमिनार का अहतमाम हुआ। जब हम कश्मीर की उन ख्वातीन की बात करें जो 73 साल से जुल्म और जबर का शिकार हैं, जो खौफ में हैं, जो हर किस्म की एट्रोसिटीज़ को फेस कर रही हैं, जो कि अपने सामने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को कत्ल होते हुए देखती हैं, और जिनके वालदैन के सामने, जिनके ख़ानदान वालों के सामने, जिनके बेटों और भाइयों के सामने उनकी असमतें तार तार हो जाती हैं, उन ख्वातीन की बात कर रहे हैं हम, उन ख्वातीन की बात कर रहे हैं जो अपनी नज़रें दरवाज़े पे लगाएं, अपने प्यारे, अपने चाहने वाले, अपने अजीज़ रिश्तेदार, अपने बेटे, अपने भाइयों, अपने शौहरों का इंतज़ार कर रही हैं। हम उन कश्मीरी बहनों की बात कर रहे हैं कि जिनकी जिनकी ताकत को, जिनकी हिम्मत को, जिनके हौसले को कोई जुल्म, कोई जबर नहीं तोड़ सका। हम उन कश्मीरी ख्वातीन की बात कर रहे हैं, हम उन बेटियों की बात कर रहे हैं, हम उन बहनों की बात कर रहे हैं जिनके सामने उनके भाई पैलेट गन से जो है उनकी आंखें अंधी कर दी जाती हैं। हमीद लोन साहब ने भी अदाद व शुमार बताए, बात अदाद व शुमार की नहीं है, बात उस जुल्म की है, बात उस जबर की है। लाखों से, लाख से ऊपर जो है कश्मीरी अवाम जो है, कश्मीरी बहन भाई जो है वो कत्ल कर दिए गए। कितनी ख्वातीन की असमतें तार तार कर दी गईं, कितनी जो है वो गैंग रेप का शिकार हुई। फिर उनके बुनियादी हकूक़, उनकी सेहत के हकूक़, उनकी तालीम के हकूक़, उनकी अपनी बात करने के हकूक़, वो सब सल्फ है। और स्पेशली जब मैं कहूँगी कि आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, उनके ज़िंदा रहने के हक़ को भी सल्फ कर लिया गया है, उन्हें उनके अपनी ही ज़मीन उनके ऊपर तंग कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश गुजरात के कातिल नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व जहन की एक जो है, मैं समझती हूँ कि एक उसका आर्ट है, उसका शाकार है, उसकी सोच है, उसका एक सोचा समझा मंसूबा है। और उसके बाद जिस किस्म के बयानात आते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर से, उत्तर प्रदेश के मेंबर्स का बयान आता है, विक्रम सिंह का बयान आता है कि कश्मीरी ख्वातीन से शादी करूँ, उनकी गोरी रंगत की तस्वीर देके, ताकि आपकी, यानी एक आप ख्वातीन की तजलील कर रहे हैं और आप अपने नापाक अजाइम को जाहिर कर रहे हैं कि अब आप उनकी ज़मीन पे तसल्लुत हासिल करने के लिए जो 370 आर्टिकल
जो 35A की मौजूदगी में आप वहां पे जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब आप ये कहते हो कि वहां जमीन भी खरीदो, उनकी विरासत के हक को भी जो है उसके पर भी हमला करो। तो ये 370 को का एवोल्यूशन सिर्फ असॉल्ट कश्मीर की आइडेंटिटी पे नहीं था, ये असॉल्ट यूएन रेजोल्यूशन पे भी था, ये असॉल्ट कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक पर भी था। और उसके बाद मैं कहती हूँ कि यकीनन आलमी दुनिया नोटिस लेती है, आलमी दुनिया बात करती है, लेकिन बातें कब तक, 73 साल बातें करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। अब ये कत्ल अगर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन का है तो मैं ये कहूँगी कि इस कत्ल का जो है हिसाब कौन लेगा और कब लेगा? कोई टाइम फ्रेम है, कोई टाइम लाइन है, कोई ऐसा कोई के जी आज इतने साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 70 साल के बाद, 73 साल के बाद, और अब कब और कितना? यानी जब हम बात करते हैं ख़वातीन के हकूक़ की और यूनाइटेड नेशन कहता है आई एम जनरेशन इक्वालिटी, वहाँ से आवाज़ आती है रियलाइजिंग वुमेंस राइट, तो फिर ख़वातीन के, कश्मीरी ख़वातीन के हकूक़ की कहाँ गए? फिर उनकी बात क्या कहाँ गई? जब हिलरी क्लिंटन कहती है वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, तो फिर कश्मीरी ख़वातीन की राइट्स कहाँ गए? फिर उनके हकूक़ कहाँ गए? फिर क्या दुनिया को नज़र नहीं आता कि ख़वातीन के साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, किस तरह से तजलील हो रही है, किस तरह से उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब हैं? आज जो है कश्मीर जो है मैं समझती हूँ कि दुनिया की सबका सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप बन चुका है, वहाँ की ख़वातीन दे आर अंडर सीज, और उनकी आवाज़ें दबाने के लिए कम्युनिकेशन लाइन्स को बंद कर दिया गया है। तो उसके बाद आपके अगर मुझे बयान सिर्फ आपके ऐवानों तक महदूद नज़र आए तो फिर तो बहुत कंसर्न होगा, फिर तो बहुत बड़ी सोच होगी, फिर आप जो दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे, फिर जो आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं फिर उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे, फिर आपके हर यानी आपके वजूद पे भी फिर मैं कहूँगी सवाल उठेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का वजूद क्यों था? क्या यूनाइटेड नेशंस का वजूद दुनिया में अमन और इंसानी हकूक़ का ज़ामिन नहीं था? जब तक मसला एक कश्मीर हल नहीं होता इस खत्ते में अमन नहीं आ सकता, अगर बात अमन की भी है तो। अमन के तमाम रास्ते कश्मीर से होके गुजरते हैं अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो फिर यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है? सिर्फ जो है लिप सर्विस, सिर्फ जो है मजबूरन बात करना? जब दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की बात करने वाले, जमहूरियत के दावा करने वाले ममालिक अपने जो है कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रखें और इंसानी हकूक़ की पामाली पे आंखें बंद कर लें, तो सवाल तो उठते हैं और सवाल तो उठेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है मीडिएशन, मुझे मैं उस मीडिएशन का तर्जुमा जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा सालिसी किरदार था कि आप आए भारत, आप हथियारों के सौदे करें, आप दुनिया को जंगे बेचें और चले जाएँ। और हम आज भी मुंतज़र हैं, हम आज भी देख रहे हैं कि कश्मीर जल रहा है, हम आज भी देख रहे हैं कि कश्मीर जल रहा है, कोई आवाज़ अब उठाए कि कश्मीर जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि कश्मीर जल रहा है। हर फर्द है परेशान, बेचैन व दिल शिकस्ता, कोई मरहम इन्हें लगाए कि कश्मीर जल रहा है। माओं की गोद सोनी, माओं की गोद सोनी, हर बाप तड़प रहा है, कोई इनको हौसला दिलाए कि कश्मीर जल रहा है। जालिम है सीना ताने, मजलूम बेसहारा, कोई जुल्म अब मिटाए कि कश्मीर जल रहा है। दिन में भी है अंधेरा, खुर्शीद भी है बेनूर, कोई शम्मा बनकर आए कि कश्मीर जल रहा है। उस शम्मा के मुंतज़र हम भी हैं, उस शम्मा के मुंतज़र हमारे कश्मीर बहन भाई भी हैं। राय शुमारी का नारा कश्मीर के गोशे गोशे से आता है, और इसके गारंटर भी यूनाइटेड नेशंस हैं, इसके गारंटर भी यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है। उसके बावजूद अगर उन रेजोल्यूशंस पर अमल ना हो, अगर राय शुमारी जो बुनियादी हक है वो ना दिया जाए, तब भी सवाल उठते हैं ये कब तक जो है जुल्म और जबर जो है वो चलता रहेगा। 4 दिन आवाज़ें उठी,
कि आर्टिकल 370 कश्मीर का कत्ल है, उसकी आइडेंटिटी का कत्ल है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुनिया उसी तरीके से रवा दवा है। चार दिन जो है सवाल उठे, आवाज़ें उठी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है पनप रही है, वहाँ के शहरियों पे उनकी ज़िंदगी तंग है। आज तो कश्मीर से लेके दिल्ली तक आग लगी है और यही आग झुलसा देगी नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को। आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना, हमने हिम्मत और हौसला नहीं हारना। हमारी आवाज़ें इतनी मजबूत हैं कि या तो यूनाइटेड नेशंस का वजूद ख़त्म हो जाएगा या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन कश्मीर कश्मीरी बहन भाइयों की राय शुमारी से, उनकी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर जब शहीदों के जनाजे पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन किए जाते हैं तो राय शुमारी आ जाती है सामने, उनकी ख्वाहिशात आ जाती हैं सामने। मगर वो नज़र अगर किसी को नहीं आ रही तो वो नरेंद्र मोदी को नज़र नहीं आ रही, वो दुनिया के बुलंद एवानों को नज़र नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अगर यहाँ आते हैं, उनके सामने रोज़ाना अदाद शुमार भी जाते हैं और उनके पास कोई हल नहीं निकलता। मैं OIC की भी बात करूँगी, OIC का भी वफ्त आया है, लेकिन क्या आपका वफ्त आना, और आपके ऊपर एक सवाल मैं ये भी उठाती हूँ कि जब आप इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर अपनी मीटिंग में बुलाते हैं तो हमें कंसर्न बढ़ जाता है, हमारा कंसर्न बढ़ जाता है कि क्या आप कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ का तहफ़ उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से कि आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी थी। तो मैं इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कहती हूँ कि आप जिस वजह से आपको कायम किया गया है उस वजह को कायम रखें, उस वजह को ख़त्म ना होने दें, वरना आपके ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। हम आपके साथ हैं, हर लम्हे साथ हैं, चाहे आप कश्मीर में हो, हम इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान के किसी हिस्से में हो, पाकिस्तान के किसी गोशे में हो, आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो जंगें लड़ी वो कश्मीर के लिए लड़ी, वो आपके लिए लड़ी। हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और मैं समझती हूँ कि आज जो कश्मीरी ख्वातीन की आवाज़ है वो बहुत मजबूत है, और मैं कहूँगी कि आप किसी किस्म के इस्तेसाल से ना डरें, आप किसी किस्म के खौफ से ना डरें, आप जो है हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ें उठाएं, इसलिए कि दुनिया आंखें बंद करके तो नहीं रह सकती, वरना कल को ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें भी पैलेट गन से ज़ख्मी हैं। वो पैलेट गन से जो लोग वहाँ पर जो अंधे होते हैं उनके हौसले अंधे नहीं होते, इनकी आंखें भी अंधी होती हैं, इनके हौसले भी अंधे होते हैं, इनके दिल भी अंधे होते हैं। तो हमें इनके अंदर वो रोशनी की किरण जगानी है। आप सब शमा हैं, आप सब शमा बन के आए, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर को हमने रोशन रखना है, जलने से बचाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब ये बात कर रही थी तो लिंकर ऑन करना है, उसमें दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं। एक तो वहाँ के लोगों को इन आर्टिकल से ये प्रोटेक्शन थी कि उनकी ज़मीन उनकी अपनी है, कोई भी नॉन इंडिया मतलब नॉन कश्मीरी वहाँ जाके प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता था। हम सब कहते तो हैं आर्टिकल 370 35A, बट क्या हम में से कितने लोग हैं जिनको इसकी डेप्थ का पता है? हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना है कि इंडिया वहाँ पे जो है वो ये चेंजेस काम इस बात को नहीं समझेंगे कि कश्मीर में हमारी बका की जंग लड़ी जा रही है। जहाद इस मसले का वाहिद हल है। आज तालिबान को देख लें, किसी ने कोई फेसबुक पे नहीं कुछ किया, कोई सेमिनार्स नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुआ, और उन्होंने क्या हासिल किया है? आज इंडिया और सब लोगों के साथ अगर हम वही सलूक करें, आज हमारा बंदा बंदा लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो आप देखिए कि कैसे ये सब लोग भी इंडिया पुश दिखा के जाएगा। जिस तरह आज अमेरिका को हो के हालात हैं, आज अमेरिका किस तरीके से आप देख लीजिए कि खुशामद करके कि हम किसी तरीके से बाइज़त तरीके से अफगानिस्तान से निकल सके, उन नंगे पुंगे लोगों ने जिनके पास खाने को पूरा नहीं और जिनके पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे ना वसाइल थे ना कोई चीज़ थी, उसके बावजूद उन्होंने जज्बा जहाद और जज्बा ईमान के साथ इस सारे वाक्य के आप देख लें कि आपके सामने यू आर विटनेस टू हिस्ट्री में इन द मेकिंग। आप देखिए कि दुनिया क्या कर रही है, सारी दुनिया की सुपर पावर्स वहाँ कब्रिस्तान बन चुका है उनका। अमरीका का कब्रिस्तान वहाँ बना हुआ है, ब्रिटिश का कब्रिस्तान वहाँ बना हुआ है, रशिया का कब्रिस्तान बना हुआ है, और आज मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि भारत का भी कब्रिस्तान वही बनेगा। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो जो हमारी आज खवातीन है, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आगे अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने घर में अपने मर्दों की, सबकी तरबियत करें।
बिल्कुल आप मजलूम कश्मीरी खवातीन के साथ इजहार यकजहती जरूर करें, मगर मैं आपको बताऊं वो मजलूम नहीं है, मजलूम हम हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है और हमने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। वो बहादुर औरतें हैं, वो बहादुर जर्री औरतें हैं, जो देखिए आप आसिया अंद्राबी वाला वो जरा भी शर्मिंदा